सो हे हेलो गाइज, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स के इफेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम रील्स की कोई कमी नहीं है, बट एक इफेक्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले भाई का नाम जान लो, मैं हूं विजय और आप देख रहे हो विजय ठाकुर टैग। तो गाइज वीडियो करते हैं शुरू। वेलकम बैक गाइज। जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे इफेक्ट की कोई कमी नहीं है, जी हाँ गाइज, और इंस्टाग्राम रील्स की जो पॉपुलैरिटी है वो उसके इफेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो गाइज, आज के वीडियो के इस कड़ी में मैं जो इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे मतलब टहलका मचा दिया है। सो गाइज, मैं बात कर रहा था ये वाला इफेक्ट के बारे में। सो गाइज, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसमें वीडियो कैसे बनाएंगे एंड अपना जो फोटो जो है सो वो कैसे अपलोड करके ये वाला इफेक्ट हम चूज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई भी एडिटिंग की कोई भी आवश्यकता है नहीं, बस आपको पिक को उसमें रखना है एंड आपका वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बस थोड़े से कुछ टिप्स को आपको अपनाना होगा। देन गाइज, हम इसमें ये भी बताएंगे कि आप उस वीडियो किस हैशटैग से अपलोड करोगे, देन आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे एंड यू नो व्यूज वगैरह भी बढ़ेंगे। सो गाइज, अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और बताते हैं इस इफेक्ट का यूज कैसे करते हैं एंड हैशटैग वगैरह क्या डालेंगे। सो गाइज, लेट्स गो। सो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। एंड जिस वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, तो हर कोई बनाते ही है। तो गाइज, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, आप देख पाओगे कि यही वो वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं जस्ट अभी इस पे मतलब बनाया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसके जो भी वीडियो आपको इस मतलब प्ले करके आप देख लेना कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हो, ठीक है। देन आप उस वीडियो को आपको डाउनलोड करने होंगे। कैसे डाउनलोड करने होंगे मैं भी आपको बता रहा हूँ। देन गाइज, मेरे को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके मैं वीडमेट या फिर किसी भी डाउनलोडर से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आप भी चाहो तो कैसे भी इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वीडियो जो इसे डाउनलोड हो रहे हैं। देन गाइज, आप किस किस ऐप का यूज़ करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो गाइज, मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लिया। देन जो ऐप मेरे को इंस्टॉल करना है उस ऐप का नाम आप देख पा रहे हो, उस ऐप का नाम है रीफेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो यही वो ऐप है। जो एक्स्ट्रा और भी ऐप है और ये ऐप दोनों का जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, रीफेस जो ऐप है ओपन हो चुकी है। अब हम एडिटिंग की ओर चलेंगे। तो एडिटिंग के लिए सबसे पहले हम प्लस आइकन पर प्रेस करके जो वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा था इंस्टाग्राम से रील से उसे सेलेक्ट कर लेना है गाइज। तो ये मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि ये टोटल वीडियो 30 सेकंड के हैं, तो इसके 15 सेकंड जो फर्स्ट पार्ट में उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो रहा है गाइज। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। तो हो चुका है। अब क्या करना है गाइज कि हम अभी स्वैप में जाके जो मेरा फोटो है उस पिक को क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइज, ये मैंने अपना फोटो को कर लिया है सेलेक्ट। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। तो ये कंफर्म हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज, सो वेट। सो गाइज, ये देखो मेरा जो फोटो था वो हो चुका है। अब इसे स्नैप कर लेते हैं। सो गाइज, ये स्वैपिंग हो चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 15 सेकंड के वीडियो बन गए। चूँकि इसमें बस 15 सेकंड के ही वीडियो बन पाते हैं, इसलिए हमें दो पार्ट में इस वीडियो को बनाना होगा। सो गाइज, अब आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो गाइज, हमारा जो ये प्रोजेक्ट इसे हम यहाँ से कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी गैलरी में हो रहा है गाइज सेव। सो गाइज, फर्स्ट के 15 सेकंड के वीडियो जो थे वो सेव हो चुके हैं। नेक्स्ट हम 15 सेकंड को लेते हैं। तो यहाँ से अपने फेस को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा फेस है। तो ये मैंने अपने फेस को कर लिया है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद गाइज, हमें जो नेक्स्ट 50 सेकंड के वीडियो लेने हैं उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो ये स्क्रॉल करके हम लास्ट तक ले जाएंगे और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो गाइज, हम ये लास्ट तक ले आएंगे और फिर ये क्लिक करके एनालिसिस हो रही है फेस का। सो थोड़ा सा वेट करना होगा। ऐड को आप स्किप कर सकते हो गाइज, सो आप इसे स्किप कर लेना। देन गाइज, आप देखोगे कि ये वीडियो बनके तैयार हो गई। सो जनरली हमको क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट हम यहाँ से सेव कर लेंगे। देन गाइज, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वाटरमार्क है। तो वाटरमार्क हटाने के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन में जाना होगा, साथ ही आपको एक पिक आगे लगाना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, इसके लिए भी हम किसी ऐप में जाते हैं। सो गाइज, बने रहो।
तो गाइज ये वीडियो हो गई है सेव गैलरी में। अब हम बैक होते हैं और अपना ऐप VN को अभी ओपन कर सकते हैं। इसके जगह आप काइने मास्टर भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज हम सिंपली प्लस पे आइकन करके न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में हम दोनों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो मुझे लेना है। सो गाइज वो जो वीडियो था वो यहाँ पे आ गया है एंड इसके लास्ट पार्ट में जाएंगे और इसके वाटरमार्क वाले वीडियो को यहाँ से कर देंगे डिलीट। देन गाइज हम यहाँ से एक और वीडियो लेंगे या फोटो ले सकते हैं, तो हम अपना वो फोटो लेते हैं, वो इमेज लेते हैं जिसको स्टार्टिंग में देना है एंड नेशनलिटी चैलेंज का जो टेक्स्ट होता है वो भी लिखना है। सो ये फोटो आगे इसको ड्रैग करके हम सबसे आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद गाइज हम थोड़ा सा इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। देन गाइज वीडियो के पार्ट को हम सेलेक्ट करके हम वॉल्यूम के पार्ट में जाएंगे। वॉल्यूम को सेलेक्ट करके हम यहाँ से वॉल्यूम को सीधे जीरो करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में भी सेम ऐसा ही करते हैं, स्क्रॉल करके इसके वॉल्यूम को 0% पे ले जाना है। देन गाइज यहाँ से आपको एक लेयर लिखना होगा, लेयर पे हम जाते हैं एंड वो वीडियो को लेना है जो हम ऑलरेडी इंस्टा से डाउनलोड कर रखे थे। एंड इसके हिसाब से मेरे को वहाँ तक ही लेना है जहाँ तक इसके पिक्चर शो करते हैं एंड लास्ट में जो भी पार्ट हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के वो मुझे लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से मैच कर रहा हूँ, मैच करने के बाद गाइज यहाँ से आया तो मेरे इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करना होगा। तो गाइज इस हिसाब से आप सही से कर लेना है मैच ताकि जो वीडियो हो वो कूल बने, ठीक है। देन गाइज ये ऊपर वाला जो वीडियो इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्लाइड लास्ट पीछे मतलब रख देता हूँ, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने होते हैं, सो आप अपने हिसाब से किसी भी टाइप के कोई भी टेक्स्ट को आप लिख सकते हो गाइज। तो गाइज इसके लिए आपको फोटो को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट का। इस टेक्स्ट के आप किसी भी फॉन्ट किसी भी लेटर को आप चूज करके आप वो टेक्स्ट लिख सकते हो गाइज, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गाइज इस प्रकार से जो टेक्स्ट है वो मैं लिख दिया हूँ। अब आप देख पा रहे हो कि वीडियो फुल्ली बहुत अच्छा बना है। सो गाइज मैं देख ले रहा हूँ एक बार सही से। देन गाइज यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे देन हमारा जो वीडियो है वो होने लगेगा एक्सपोर्ट। अब रिजोल्यूशन को सेट कर लेना एंड आपकी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो होगा ये एक्सपोर्ट। अब हम इसका रिव्यू दिखाते हैं कैसा बना। We'll be right back.